आईक्यू वाला में आपका फिर से स्वागत है। इस बार का पी ओ आई क्यू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जुलाई 2018 का 2 मार्च का करंट इलेक्ट्रिसिटी से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पोटेंशियोमीटर वायर द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर इज अ फाउंड टू बी अ 2.5 मीटर। ओके, लेंथ दी हुई है वो कितनी है हमारे पास? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर पर ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। ओके, EMF कितना है हमारे पास? 1.5 वोल्ट। ओके, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर ऑफ ए अनादर सेल ऑफ ए EMF। ओके, अनादर सेल बोला तो ये L1 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा, और E2 आपने पास दिया हुआ है। E2 कितना है हमारे पास? 1.2 वोल्ट ऑन द सेम पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट? फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, मतलब क्या पूछा हमारे पास? बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए सेकंड, मतलब L2 पूछा है। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल मीटर, बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलो, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, तो क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल क्या है? के एल। तो क्या हमारे पास? ई टू बाय ई वन इज इक्वल क्या है? के एल टू बाय के एल वन। के से के गेट कैंसल, हमें क्या निकालना है? एल टू निकालना है। एल टू इज इक्वल टू क्या है? ई टू बाय ई वन इंटू क्या? एल वन। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, घंटा घड़ी आ गया हमारे पास। एल टू इज इक्वल टू एल टू, ई टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.2, और ई वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.5, और एल वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2.5। थ्री थ्री फोर जा 12, थ्री फाइव जा 15, फोर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 जा 4 कितना हो जाएगा? 10, डिवाइड बाय क्या? 5, कितना आंसर हो जाएगा? 2 मीटर। एल टू कितना बनेगा हमारे पास? 2 मीटर का। एल टू कितना बनने वाला है हमारे पास? 2 मीटर का। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं।